नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आज 24 सीटों पर प्रचार थम जाएगा। अब 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। चुनावी मैदान में बीजेपी, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस, पीडीपी मुख्य तौर पर लड़ाई में है। कई सीटों पर क्षेत्र दल और निर्दलीय भी दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। तो वही जम्मू कश्मीर में, वही घोषणा पत्र की अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन हुआ है, यानी कि अलायंस किया गया है। और कांग्रेस 32 सीटों पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। वही 5 सीटों यानी कि बनिहाल, डोडा, भद्रवा, नगरोटा और सुपारा में फ्रेंडली फाइट होगी। और बीजेपी ने 10 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया था। इसमें महिलाओं, युवाओं, कश्मीरी पंडितों और आतंकवाद के खात्मे पर केंद्रित 25 वादे शामिल किए गए थे। तो वहीं आज धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आए अमित शाह। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी, कांग्रेस लगातार आमने सामने नजर आ रही है। तो इसके अलावा इस बार अलायंस है कांग्रेस और आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार उतारा है। तो वहीं 5 सीटों पर बनिहाल, डोडा, भद्रवा, नगरोटा और सुपार में फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी। बीजेपी ने 10 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया था। और इस संकल्प पत्र में महिलाओं, युवाओं, कश्मीरी पंडितों और आतंकवाद के खात्मे पर केंद्रित 25 वादे शामिल किए। तो इस बार घाटी में लंबे समय के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में 25 वादे किए हैं। तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, पहले चरण का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। जिस और आखिरी दिन अमित शाह ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का रणबेड़ी बस्ती हुई नजर आ रही है। और आज पहले चरण के लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा। चुनावी मैदान में बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस, पीडीपी मुख्य तौर पर लड़ाई में है। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से आज पहले चरण के जो प्रचार प्रसार है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा, क्या लगता है लड़ाई किसके बीच नजर आ रही इस बार? बिल्कुल आरती, अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव है और आज विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां थी, विधानसभा चुनाव की जो रैलियां थी, आज सारी चीजें खत्म हो गई हैं। आज से विधानसभा चुनाव में, आज जम्मू कश्मीर में अब जो है रैलियां नहीं होंगी, क्योंकि आज लास्ट था। आज बिल्कुल बंद हो गया, आज चुनाव प्रचार बंद हो गया है। बिल्कुल जिस तरीके से चुनाव, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव की रणभेरी बच चुकी थी और तीन पार्टियां मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं जम्मू कश्मीर में, बात करें बीजेपी की या कांग्रेस की या पीडीपी की, तो तीनों पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन वहीं बात करें अगर बीजेपी की, बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी 370 धारा को जाहिर बात है हटाने के बाद से लगातार बीजेपी जो है अपनी पीठ थपथपाती हुई जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। वही अगर बात करें आतंकवाद की, आतंकवाद को लेकर भी बीजेपी अपनी पीठ पा रही है। बीजेपी कह रही है कि जम्मू कश्मीर से हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया। लेकिन वही अगर बात करें अगर कांग्रेस की, कांग्रेस भी पीडीपी के साथ लगातार बनी हुई है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि पीडीपी के साथ में चुनाव लड़ना चाह रही, वही दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की बात करूं तो 25 वादे किए गए, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा हो, युवाओं हो, कश्मीरी पंडित हो और आतंकवाद के खात्मे पर ये पूरा मैनिफेस्टो जारी किया गया। क्या लगता है जनता इससे लोभ लुभावन होगी? देखिए, अगर बात करें जम्मू कश्मीर में जनता के लिए लोग लुभावने वादे के लिए बीजेपी ने जो किए हैं, 25 वादे किए हैं, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे आतंकवाद के खात्मे की बात हो, या जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी सुरक्षा की बात हो, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि बीजेपी जो है अपने लगातार जो बीजेपी के चुनाव हुए हैं, बीजेपी जो लगातार अगर देखा जाए तो केंद्र में भी 2 दशकों से रह चुकी है और तीसरी बार वहां बीजेपी जो है तीसरी बार बनी हुई है। और तो उसी को देखते हुए अगर बात की जाए,
बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी अपने चुनाव को अपने पाले में लाने की। तो बीजेपी साम दाम दंड दे चाहेगी कश्मीर में भी। एक प्रश्न ये भी उठता हुआ नजर आ रहा है राजेश की, कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर। इस बार अलायंस है दोनों पार्टियों में, टक्कर तो काटे की होगी इस बार। बिल्कुल, अगर बात की जाए टक्कर की तो बिल्कुल, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन कहीं कहीं देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में भी मजबूत नजर आ रहा है। जिस तरीके से अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा में जैसे इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला था और वो मुकाबला देखने के लिए भी मिला, तो जाहिर सी बात है कि वही मुकाबला अब विधानसभा के चुनाव में भी जम्मू कश्मीर में मिलने वाला है इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच में। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया अलायंस वहां पर जम्मू में पीडीपी और उसके साथ में कांग्रेस गठबंधन है, तो कहीं कहीं देखा जाए तो उसी में दो सीटों पर समाजवादी पार्टी भी चुनाव वहां पर लड़ रही है। जाहिर सी बात है कि अगर इन सारी चीजों को देखा जाए तो इंडिया गठबंधन कहीं कहीं जम्मू कश्मीर में भी मजबूत नजर आ रहा है। एक और चुनाव आयोग के लिए काफी इस बार चुनौती होगी क्योंकि घाटी में चुनाव हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल आरती, अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वहां पर इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पूरी तरीके से कमर कस कर जो चुनाव आयोग है उतर रही है चुनाव के लिए। और उसी को अगर उसी बात करें तो बीजेपी या केंद्र सरकार भी बिल्कुल पूरी तरीके से वहां पे कड़ी चौकसी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अगर और सभी एजेंसियों को वहां पे अलर्ट मोड पे रखा गया है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि जो बॉर्डर है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चीन का बॉर्डर है, इन बॉर्डर पर भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं क्योंकि घाटी में चुनाव हो रहा है। नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। केजरीवाल का उत्तराधिकारी कौन, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन, इस सवाल को लेकर आम आदमी पार्टी में मंथन का दौर तेज हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने रविवार को 48 घंटे के बाद सीएम कुर्सी छोड़ने का ऐलान किया है। इसके बाद दिल्ली की सियासत में उठा पटक तेज हो गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास पर आज पॉलिटिकली यानी कि पीएससी की बैठक बुलाई गई है और उस दौरान दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हो सकती है। बैठक से पहले आपके सीनियर नेता मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि इस बार मनीष सिसोदिया का नाम भी बाहर चल रहा है मुख्यमंत्री के रेस से। तो जिन नामों पर चर्चा तेज हो चुकी है, आतिशी हो या फिर राघव चड्ढा हो, और इसके साथ साथ सौरभ भारद्वाज का नाम पर चर्चा तेज चल रही है, तो लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मंगलवार को आम आदमी पार्टी किसे नए मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर सकती है। तो वहीं लगातार सवाल ये बना हुआ है कि आखिरकार 48 घंटे बाद दिल्ली की सत्ता पर यानी कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा, नया मुख्यमंत्री कौन होगा। वही ना केजरीवाल ना सिसोदिया, दिल्ली कौन चलाएगा, ये इसको लेकर लगातार सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही जिस प्रकार से जब केजरीवाल बाहर आए, आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर नजर आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के यानी कि जो भी उनकी पावर छीन ली गई थी जिस कोर्ट की ओर से, उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर थी कि पावरलेस मुख्यमंत्री दिल्ली को कैसे चलाएंगे। जिसके बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और उसके बाद से सियासी पारा और गर्म होता हुआ नजर आया कि आखिरकार दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा। मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं, लगातार मंथन का दौर तेज हो चुका है। सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा।